ओ भाई, आज फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग के साथ। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब इतना अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स करते रहते हो। सो आज एक बहुत अच्छा दिन है। आज है 9 तारीख, 9 मई, जिस दिन हम अपने महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाते हैं। तो आज तो भाई ब्लॉग बहुत स्पेशल है, मेरे लिए भी सभी के लिए होगा। हम सब ने एक प्रोग्राम करवाया, मतलब कि हमारी सभी फैमिली ने, राजपूत की फैमिली ने मिलकर प्रोग्राम कराया, गेट के बाहर भंडारा करवाया प्लस पूजा करवाई है। तो अभी बस उस पूजा के लिए निकलने वाला हूँ मैं। तो मैं सोचा कि इससे बढ़िया शुरुआत व्लॉगिंग की लगता भी नहीं कि कभी होगी, क्योंकि ये दिन बहुत अच्छा है आज सभी के लिए। स्पेशली मैं तो कहता हूँ कि सब अपने अपने चीज़ों में मानते हैं, हम भी अपनी चीज़ को मानते हैं भाई, और सब रिलीजन्स और कल्चर्स को सबको रिस्पेक्ट अपनी तरफ से। तो भाई, तो बस अब पापा की कॉल आ गई, बेटा कहाँ रह गया, आ जा, स्टार्ट होने वाली है पूजा, फिर भंडारा भी है, तो वो भी थोड़ा बहुत तू करवा देना हेल्प। मैंने, चलो पापा मैं भी आ रहा हूँ, बाकी सब पहुँच गए उधर धीरे धीरे करके। और ये तुम्हारे भाई ने नहीं वो करवाई, क्या कहते थे, हेयर कटिंग वेटिंग जो भी नहीं करवाई थी, पता नहीं कैसा लग रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, ये इसलिए करवाई है क्योंकि हम ट्रिप पे जाने वाले हैं। तो इसलिए मैंने अभी से एडवांस वगैरह कर लिया कि एंड मोमेंट में फिर बहुत घिचपिच हो जाती है ना, ये पैक करो, वो पैक करो, फिर ये भी सब कटवाओ, तो पहले से धीरे धीरे करके चलते हैं। तो चलते हैं अब भाई, मेरे पास भी एक सुपर बाइक है भाई। यू वांट टू सी माय सुपर बाइक? ये देखो, ये रही हमारी सुपर बाइक। वैसे मैं ले भी सकता हूँ सुपर बाइक अगर मेरे दिमाग में हुआ कि भाई लेनी चाहिए, अगर अच्छा चला चैनल तो डेफिनेटली भाई एक सुपर बाइक तुम्हारे भाई के पास भी होगी आने वाले टाइम में कभी भी। सो देखते हैं वो कब होगी। तो अभी निकलता हूँ पहले, है ना, क्योंकि मेरे को मतलब बाइक में कम चलाता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ी बहुत डर लगता है बाइक चलाने में, और तो इस पर मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकता ना, समझ रहे हो आप। तो वहीं मिलता हूँ अभी आपसे। ओ, हरी सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि हम नारियल भजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। पूजा पूजा हो गई थी, भंडारा भी खा लिया मैंने आराम से, मस्त मजा आ गया भाई। अब शाम को देखता हूँ, गांव जाना ही नहीं जाना, अभी तो फिलहाल घर पहुंचता हूँ, आई मीन घर आ गया हूँ, मजा आ गया। तो मैं फिर आ गया मैं। फिर मम्मी शर्माती है, बोलते हैं उनके दोस्त बोलते हैं ना, तो इसलिए कोई बात नहीं, मम्मी शर्माओ तुम भी, अब थोड़ा रेस्ट कर लो भाई। पहले कौन सी वाली कार चल, बताओ नहीं बताओ पब्लिक को भी, ब्रदर सरप्राइज है। राहुल भाई ने अपने पैसों से कार ले ली एक, और ये बोल रहा है कि अभी देख इसका रिएक्शन देख, हंस रहा है, ये कह रहा है कि अभी मत बता, जब मैं ले लूं तब बताइयो। मैंने बोला ओके ब्रदर, ये भी आपकी पूरी बात मानी जाएगी। तो ये घर आ गए थे ये बताने के लिए मैंने कार ले ली है, बस आरसी वारसी का काम रह गया, वो आरसी का काम होते ही भाई तेरी कार मतलब बोल रहा है कि तू देखो कैसी लगी। तो एक और कार आ रही है, उसका रिवील करेंगे आने वाले व्लॉग्स में, जब इसके पास सब चीज आ जाएगी प्रॉपर। ठीक है भाई, कितने दिन में? एक हफ्ता। चलो भाई 7 दिन, मतलब ट्रिप के बाद ही करेंगे अब हम। देख रहा ट्रिप की मैं बहुत हाइप बना रहा हूँ, जाऊंगा कुछ हो जाए तू तो, इसका तो पेपर है ये, इसलिए नहीं जा रहा भाई। चलो कोई बात नहीं, हम देखो घूम रहे अपना आराम से। मैं बोल जाता हूँ मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जो वो अभी दिखाता है, बढ़िया मज़ा आता है, पर मैं अकेला खा रहा हूँ। और भाई तुम्हारा भाई पहुँच गया जिम। हाँ जिम कर रहा है, जिम कर रहा है, जिम आनो भैया है, पूरा जिम खा लिया, मज़ा आ जाएगा। अकेला वर्कआउट करने में अलग ही मज़ा आता है, बस वर्कआउट करना स्टार्ट करता हूँ, फिर लेट हो जाऊँगा, फिर पब्लिक आ गया ना, तो फिर मन नहीं करता भाई। देख लो घोड़ा बिल्ली कुत्ते शेर सब आ गए, हम चारों वापस आ गए, एक्चुअली सब जॉब करके आए, थक गए, तो इन्होंने बोला मुझे आइसक्रीम खिला, तो मैंने बोला मेरे पास पैसा बहुत है, क्या खाओगे बताओ? ऑरेंज बार। तू भाई? शकल देखिए, और तू भाई? दो ऑरेंज बार है, तो मतलब फोर्थ ऑरेंज बार को ज़्यादा मिल रहा है, अगर कॉर्नेटो को मिलता तो दादा कॉर्नेटो खिला दी जाती, बट कोई बात नहीं, ऑरेंज बार मिलेगा। अभी बताओ भाई फ्राइडे को सब तैयार हो? मैंने तो अपने ऑफिस की भी छुट्टी ले ली भाई फ्राइडे के लिए, अब जाएंगे मस्त एकदम ट्रिप में 3 दिन की, मस्त आराम से पीठ पीछे क्यों बोल रहा कैमरे पाके बोल, कैंसिल कर दो, एक दिन पहले कैंसिल कर, कैंसिल कर दो, मैं अकेला चल जाऊंगा, क्या दिक्कत है, अकेला लग गई आरडीसी का रास्ता बताइयो। अरे तो भाई मैप लगा के चला जाऊंगा यार, मैप तू देख के जा, मैप ही नहीं पढ़ना आता। अरे यार कम ऑन, मैप लगाया कहां से, तू चलाएगा तो अकेले। अंकल कुत्ते को ट्रेन कर रहा है, कुत्ता अंकल की बात नहीं सुन रहा बिल्कुल, ओ माय गॉड सुन ली अंकल की बात, ये तो शिट हो, ये तो शिट तू बोल ले, मैंने बोल ले, बोल गाइस जब ये कुत्ता था
हाँ। अभी इंसान बन चुका है हमारे साथ रह के, जब इसे भी हम शिट करा देते हैं। मुझे शिट हो गया मेरे साथ अभी, अंकल शिट के नाम पे शिट कर देता था। देखो अंकल फुल ट्रेनिंग दे रहा उसे। दा तुझे भी किसी ने ट्रेनिंग दी? हाँ, इसका इसका लुक देखो, अच्छा परी दादा आगे पीछे को हुई भाई। ओ माय गॉड, देखो भाई तुम्हारे भाई की आंखों में नींद है पूरी भरी हुई है, पर मैं सोऊंगा नहीं क्योंकि आज है मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी, तो उसी की तैयारी में लगा पड़े हैं सब भाई। मैं केक ले आऊँ, पापा को सरप्राइज देते हैं तो पापा को उठाते हैं, ठीक है? फिर एक मस्त केक कटिंग वीडियो डालता हूँ आप सभी के लिए, आप सभी बस विश करना मम्मी पापा के लिए बस। और क्या चाहिए? रूम दिखाऊं जो हमने डेकोरेट करा बहन और मैंने मिल के सबने? ये देखो भाई, ये देखो भाई, पापा अभी अंदर सो रहे हैं, पापा को नहीं पता कि क्या होने वाला है, उनके लिए सरप्राइज एकदम तैयार कर दिया एकदम बेहतरीन तरीके से। तो भाई तुम्हारा भाई कितना सेक्सी लग रहा है, रात के 12 बजे भी देखो टाइम देखो। अरे एक मिनट जूम हो जा, ये देखो, देख रहे हो रात के 12 बजे तुम्हारा भाई कितना सेक्सी लग सकता है? कोई लग सकता है क्या रात के 12 बजे? ये देखो वहाँ के कितने लाइन लोग, यहाँ नींद आ रही बहुत तकड़ी, पर कोई बात नहीं, माँ पापा की एनिवर्सरी वो इम्पोर्टेंट है भाई। आ जाओ जल्दी आ जाओ, तुम्हारे लिए कुछ बनाया हमने। मम्मी कैसा लग रहा बाबू सरप्राइज? ओके चलो। मम्मी बढ़िया है? गाइस, अरे क्या हुआ, मैं व्लॉग एंड करना भूल गया था रात में। सो मैंने मतलब कि अभी सुबह मैं एडिट कर रहा था व्लॉग, फिर मुझे लगा कुछ चीज़ तो मिसिंग कर रहा हूँ मैं, फिर देखा मैंने ओ हो गुड बाय तो मैंने करा ही नहीं है। अब मैं गुड मॉर्निंग ज़रूर कर रहा हूँ पर गुड बाय करूँगा। देखो नया दिन स्टार्ट हो गया। सो इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया वो व्लॉग, जो भी पसंद है प्लीज़ बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज़रूर, क्योंकि आने वाले टाइम में हम कोशिश करें कि और अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाएँ, कुछ सोचा है वो धीरे धीरे करेंगे हम। सो बस मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ जल्दी, तब तक अपना ध्यान रखना। जय हिंद जय भारत, सी यू बाय, जल्दी मिलेंगे ओके।